नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार, मैं हूं हर्ष शर्मा। तो जो अब फैसले की घड़ी जिसकी हम बात करते हैं, वो फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के मामले में। साफ तौर पे जो आरोप लगे थे, हमने आपको बताया था किस तरीके के आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर है अमेरिका की, और उसके बाद अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स थे वो क्या धड़ाम हुए थे, और उसके बाद स्थिति, ये जो मामला था पूरा कोर्ट में पहुंचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हम आपको वो बताते थे कि सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा बयान आया यहाँ पर। उन्होंने जैसे 23 नवंबर को कहा था, वही चीज उन्होंने दोहराई यहाँ पे कि नो रूम टू डाउट फेयरनेस ऑफ सेबी प्रॉब इनटू द एलिगेशन, यानी कि कोई ऐसा रूम नहीं है कि यहाँ पर जो सेबी की फेयरनेस के ऊपर डाउट किया जाए, कि जो मामले की सेबी ने अच्छे से जांच नहीं करी, जिस तरीके आरोप लग रहे थे कि उनके जांच में किस तरह संदेह किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया, ये पूरे तरीके से बेबुनियाद है, ये पूरे तरीके से गलत है, उनकी जांच को लेकर कहीं पे भी कोई संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे ये बयान आया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नो वैलिड ग्राउंड हैव बीन रेज्ड टू डायरेक्ट सेबी टू रेगुलेट इट्स अमेंडमेंट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर्स। यानी कि यहाँ पर उनका साफ तौर पे कहना है, कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसके जरिए हम लोग बोल सके कि सेबी को अपने नियमों में अमेंडमेंट करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि सेबी हैज कंप्लीटेड प्रॉब इनटू 22 एलिगेशंस आउट ऑफ 24, यानी 24 में से 22 मामलों की जो आरोप लगे थे उसके ऊपर पूरी जांच हो गई है। दो मामलों के लिए 2 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया है, करीब 2 मामले जो हैं, क्योंकि इस तरह के एलिगेशन लग रहे थे। यहां पर जो सेबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2 मामलों के लिए जो विदेशी एजेंसी है उनसे समन्वय नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। और अब वो जो 2 मामले थे, इसके लिए 3 महीने का सेबी को वक्त मिल गया है, यानी और रूम मिल गया है यहां पर सेबी को। इसके अलावा एलिगेशन अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, जो इस तरीके से एक्सपर्ट कमेटी को लेके उनको संदेह के घेरे में लाया जा रहा था कि भाई जो 6 सदस्य कमेटी बनी थी कि भाई अब इनमें क्या कि इनके ऊपर संदेह किया जा रहा है कि जांच में लोग सही नहीं है, इस तरीके से ढीलापन बरत रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरीके से ये बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद बोला कि नो ग्राउंड टू हियर टू ट्रांसफर द प्रॉब इनटू द केस एंड दिस कैन बी ओनली बी रेज इफ देयर इज अ विलफुल और द डेलिब्रेट वायोलेशन ऑफ द रूल्स। यहाँ पर साफ तौर पर उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर डेलिब्रेटली जानबूझकर कोई वॉयलेशन का रूल किया गया है या फिर विलफुल कुछ चीजें की गई हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आता और कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग इसको ट्रांसफर किया जा सके, इस मामले को यहाँ पर। इसके साथ ही सेबी का ये भी कहना है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है, सेबी हैज यूज्ड द टर्म टू डिस्क्राइब द एफबीआई विद वाज द मिसकंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी। यानी जो ये जो एफबीआई का जो शब्द था यहाँ पर साफ तौर पे जिस तरीके से बोला जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी थी इसने इस शब्द को गलत समझा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है जो एक्सपर्ट कमेटी जो बोल रही थी एफबीआई को लेकर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी स्थिति यहाँ पे साफ कर दी है। अब करंट रेगुलेशन आर नॉट टेंटेड विद इलीगैलिटी, यानी कि जो भी रेगुलेशन हैं, जो भी कायदे नियम हैं, वो बिल्कुल सही हैं और कहीं पे भी कोई दाग वाली बात स्थिति नहीं है। तो ये ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का कहना था जो हमने आपको समझा दिया, और भी कुछ अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।